मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि हम आप छोटे बच्चों को नवरात्रि की अगर कहानी बताएं तो कैसे बताएं, मतलब उनको जो इजीली समझ में आ जाए बहुत सरल भाषा में। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, अगर हम उसको आध्यात्मिक तरीके से समझाएंगे तो छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम उसको एक नॉर्मल हमारी जो जिंदगी है उसके हिसाब से समझाएंगे, जैसे एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो पहला दिन है उसका, वो छोटा बच्चा है तो उसको नाम दिया गया है शरद, ठीक है। आप ये जान लो कि किसी उसके पिताजी का नाम से ही बेटी को जाना जाता है, तो शैल कौन है, उनके पिताजी हैं, तो पिताजी के नाम से गुजारी जाती है शैल पुत्री, ठीक है। उसके बाद में आता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी शिक्षा दीक्षा करनी पड़ती है ना, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है एक, और दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि हमें अपने ब्रह्म, हमारा जो अंदर जो भी कुछ है ब्रह्मांड, उसकी हमें ज्ञान अर्जन करना है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना, ये तो एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ इसका ये है कि अपने अंदर का जो ज्ञान है हमारा ब्रह्म से वापस मिलने वाला, वो ब्रह्मचारी, ठीक है, द्वितीय हो गया। अब तीसरी बात आती है कि जब लड़की बड़ी हो गई, ठीक है, तो उसका अगला स्टेज क्या है, तीसरा, शादी की बात होती है। तो शादी हो गई, शादी हुई किससे, जिसके सर पर चंद्र है, किसके सर पर चंद्र है, महादेव के, महादेव के सर पर चंद्र है, तो वो चंद्र घंटा के नाम से कहलाएंगे, पति के नाम से जानी जाती है, हैं? फिर उसके बाद क्या होता है, शादी हो गई, अब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कुष्मांडा, कुष्मांडा क्या चीज है, अंडे में से, जैसे कोई एक फल है मान लो, उसका उसमें से एक बीजारोपण होना, ठीक है, तो वो हो गया कुष्मांडा, एक बड़े से कॉस्मिक एनर्जी इवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, तो एक बड़े से फल में से एक छोटे से बीज का प्रादुर्भाव होना, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज आएगी क्या, एक माँ का रोल क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो माँ है, माँ का रोल चेंज हो गया, अब उसे क्या करना है, अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा उसे प्रदान करनी है, ठीक है, उसे नीति सिखानी है। क्या नीति, नीति का मतलब क्या होता है, नीति का मतलब होता है रूल्स। एक बच्चा, जैसे हम साधारण लोग भी करते हैं, बच्चे को बोलते हैं ये मत करो, ये ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, बड़ों से ऐसे बात करनी चाहिए, नीति हम सिखा रहे हैं, तो कौन सी है, कात्याय नीति, ठीक है, कात्यायनी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, नीति सिखाना, जीवन का पालन कैसे करना है ये सिखाना है। उसका अगला क्या आ गया, अब हो गया बच्चा सीख गया, लेकिन बच्चा जब देखिए कोई तैयारी करता है IIM में, ठीक है, MBA की तैयारी कर रहा है, या IIT की तैयारी कर रहा है, या मेडिकल की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, इंजीनियर बनने की तैयारी, अलग अलग जो क्षेत्र में UPSC की तैयारी करता है, तो बच्चे को ये सिखाया जाता है कि दिन और रात में कोई भेद नहीं होता है उस समय जब आप मेहनत करते हो, ठीक है। काल रात्रि, काल मतलब समय और रात्रि का मतलब रात, तो दिन में और रात में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जिसका लक्ष्य पूरा क्लियर है कि उसे क्या प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे ने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, और उसके बाद जब आदमी कोई एक सफल डॉक्टर बनता है, सफल डॉक्टर कौन है, जो अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें एक डॉक्टर के अंदर हमें भगवान दिखने लगे, एक टीचर को हम क्या सोचते हैं, ये हमारे भगवान है, उसने हमें शिक्षा दी है, गुरु, गुरु क्या है, अच्छी शिक्षा देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सफल मानते हैं। एक अच्छा डॉक्टर जो अपने पेशेंट्स को बिना भेदभाव के कभी कभी फ्री में भी इलाज करता है, उसे हम अच्छा डॉक्टर मानते हैं, भगवान की तरह ही। तो महागौरी जो रूप है वो क्या है, महागौरी रूप का मतलब क्या होता है, कि जो बहुत गौर है, गौर मतलब गोरा, सुंदर। आप सुंदर किसको बोलते हो, जब एक डॉक्टर के पास जाते हो आप उसको बोलते हो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, एक टीचर के पास जाते हो जब आपके मन में ये भाव आए कि ये बड़ी अच्छी टीचर है, मेरी देखो कभी तकलीफ हुई, कुछ परेशानी हुई तो इसने मेरी मदद की। हर क्षेत्र में जब आप सबसे उच्चतम अपने स्थान पर हैं और उस समय आप लोगों के साथ न्याय करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो महागौरी है, ठीक है। अब मेरे जीवन का सारा कार्य तो हो गया, एक माँ का, पत्नी का, सब सारे रोल मैंने निभा लिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस वहीं जाना है जहां से मैं आई थी।
संपूर्णता, और वो कैसे होगी, कैसे होगी, सिद्धि धात्री। सिद्धि धात्री क्या है कि हमें जहां से हम आए थे हमें उसी में वापस चले जाना है। तो दो चीजें हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, स्वयं से आत्म साक्षात्कार करना या भगवत की प्राप्ति करना। जहां ईश्वर से हम आए थे उसी ईश्वर में जाके हमको मिल जाना है। ये है नौ रूप। इसको आप बड़ी आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। समझ में आया आपको? थैंक यू।